तरफ देश गौरव मना रहा है, जश्न मना रहा है कि नेताजी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, और वो भी कर्तव्य पथ उसका लोकार्पण भी किया गया और पूरा देश इसका जश्न मना रहा है। परंतु दूसरी ओर जब देश जश्न मना रहा है तो कांग्रेस पार्टी जो कर्तव्य पथ से तो बहुत दूर है अपने, हाँ गुलामी पथ और परिवार पथ पर आज भी अडिग है, वो आज भी मातम मना रही। ये कितनी विडंबना की बात है कि एक कांग्रेस पार्टी लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और जो तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा निकालने के लिए आज सियासी पथ पर चल पड़े हैं, हर मुद्दे पर वो वक्तव्य भी देते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं, ट्वीट भी करते हैं, लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, परंतु अभी तक ना राहुल गांधी का, ना प्रियंका वाड्रा का, ना किसी बड़े कांग्रेस के नेता का कोई भी वक्तव्य आया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इतनी भव्य प्रतिमा का लोकार्पण अनावरण किया गया है तो वो उसका खुलकर खुले मन से स्वागत करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये वही मंडली है कांग्रेस पार्टी की, आपको याद होगा जब सरदार पटेल की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी लोकार्पण किया गया तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है आज जब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया जा रहा है तो वो उसका भी विरोध करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने गुलामी और विदेशी चिन्हों को तो त्यागने का कभी प्रयास नहीं किया, पर आज जब नेताजी का महिमामंडन किया जा रहा है, नेताजी के योगदान को माना जा रहा है, और नेताजी किसी एक पार्टी के नहीं है, नेताजी पूरे देश के हैं, तो आज कांग्रेस पार्टी की इतनी संकीर्ण मानसिकता है वो अपने परिवारवाद से बाहर नहीं आ पा रही है कि जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का विरोध किया वो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इतनी भव्य प्रतिमा लगी है तो उसका भी खुलकर स्वागत नहीं कर रहे, उसका भी विरोध किसी ना किसी प्रकार से कर रहे हैं। जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई हैं कर्तव्य पथ को लेकर, ये वही लोग हैं जिन्होंने जब औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग किया गया तो उसका भी विरोध किया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब इतने वर्षों के बाद नेवल एंसाइन में से एक और विदेशी चिन्ह को हटाकर, जॉर्ज के क्रॉस को हटाकर, छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित जो एक चिन्ह एक निशान को अपनाया गया तो उसका भी कांग्रेस के लोगों ने, खासकर इन दो व्यक्तियों ने खुलकर स्वागत नहीं किया। और देखिए कितनी विडंबना की बात है कि एक तरफ तो ये जब गुलामी के चिन्ह को हटाया जा रहा है, जब भारत इसका जश्न मना रहा है, तो जो लोग भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं वो इसका विरोध कर, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, दरअसल ये राहुल गांधी के रीलॉन्च का मुझे जोड़ो यात्रा है। आपने तो देखा ही होगा कि किस प्रकार से कई नेता दिल्ली आ रहे हैं, कुछ नेता 2024 के लिए भी अपनी दावेदारी अभी से पेश कर रहे हैं, हालांकि उनका जन समर्थन उन्हीं के प्रदेश में कितना है वो एक बड़ा सवाल है, परंतु जब इतने सारे नेता अपने आप को 2024 का दावेदार बता रहे हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भी सोचा कि तथाकथित भारत जोड़ो के नाम पर एक राहुल को मुझे जोड़ो यात्रा शुरू कर देनी चाहिए कि मुझे भी 2024 की लिस्ट में जरूर जोड़ो। राहुल गांधी कहते हैं आज कि नफरत फैलाई जाए,
राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो तो आप कर ही लेना बाद में, परंतु पहले आप हिपोक्रेसी छोड़ो। जिस कांग्रेस पार्टी के सरकार के तहत हाशिमपुरा, जलगांव, मुंबई, मीरठ, मलियाना, मुंबई के और भी दंगे, नेल्ली, दिल्ली 1984, ऐसे बड़े दंगे हुए और मुजफ्फरनगर का भी दंगा हुआ, जिनकी देखरेख में सारे दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए, और उन दंगों पर कार्रवाई करने के बदले लोगों ने बयान दिए कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी सी हिलती है, तब वो लोग कहते हैं कि नफरत फैलाने का काम आज हो रहा है देश। राहुल गांधी हिपोक्रेसी छोड़। और यदि और कहीं पीछे इतिहास में नहीं देखना है तो एक नजर राजस्थान में ही मुड़कर देख लीजिए। करौली का दंगा, छाबड़ा का दंगा, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, आए दिन वहां पर जिस प्रकार की सांप्रदायिक घटनाएं होती है और अशोक गहलोत जी के किस प्रकार के वक्तव्य आते हैं वो तो पूरे देश ने देखा है। परंतु सवाल आपसे ये है कि राजस्थान में जो नफरत फैल रही है और उस नफरत को फैलाने वाले करौली के मुख्य आरोपी मतलूब अहमद को आज तक तो राजस्थान की पुलिस और सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई। राजस्थान में छाबड़ा के दंगों में नफरत फैलाने वाले को तो इफ्तार पार्टी में बुला लिया था राजस्थान के सरकार के बड़े बड़े नेता, तो नफरत कौन फैला रहा है राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जी का इतिहास जो है, उनके पार्टी का इतिहास जो है, वो भारत तोड़ो का इतिहास, जो कल तक टुकड़े टुकड़े लॉबी की पैरवी करते थे, जिन्होंने जाकर उन लोगों की पैरवी की जो भारत के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते थे, आज वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिपोक्रेसी छोड़ो। और राहुल गांधी जी, अगर हिपोक्रेसी छोड़ो नहीं हो पाता तो कम से कम भ्रष्टाचार छोड़ो, कम से कम दुष्प्रचार छोड़ो, कम से कम भारत को बदनाम करने की ये आपकी मुहिम छोड़ो, और कम से कम तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ो। वैसे भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली है, मेरे मन में एक सवाल आया अभी अभी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर तो कुछ प्रतिक्रिया अभी तक दे नहीं पाए, राजपथ से कर्तव्य पथ हुआ तो उसका भी विरोध किया, परंतु भारत तो जोड़ने का काम सरदार पटेल ने बहुत पहले ही कर दिया। यह अलग विषय है कि आपकी पार्टी ने और खास करके एक परिवार ने अपने योगदान को बड़ा बताने के लिए अपने ही महिमा मंडन के चक्कर में बार बार देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का काम किया, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो बाबा साहेब आम्बेडकर हो, या चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हर बार केवल एक परिवार का महिमा मंडन और गुणगान किया गया। और जब सरदार पटेल या नेताजी के योगदान को सराहने की बात हुई, उसको याद करने की बात हुई, तो किस प्रकार का रवैया इस परिवार ने दिखाया है ये आज भी आपके सामने है कि भारत जोड़ो की यात्रा यदि ये शुरू भी करते हैं तो सरदार पटेल को नमन करते हुए नहीं करते, एक परिवार के सदस्य को ही नमन करते हुए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। ये दिखाता है कि ये यात्रा दरअसल भारत जोड़ो है ही नहीं, दरअसल ये यात्रा परिवार जोड़ो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि परिवार जोड़ो यात्रा में जनता नहीं जुड़ पाई। ये यात्रा पद यात्रा तो है, पर वो वाली पद यात्रा नहीं जो आप समझ रहे, ये पद के लिए की जाने वाली यात्रा। परिवार को एक तो सत्ता से जोड़ो, राहुल को किसी प्रकार से पीएम पद की उम्मीदवारी से जोड़ो, और जीजाजी को किसी प्रकार से पार्टी के किसी पद से जोड़ो। हमने तो पोस्टर देख भी दिए कि किस प्रकार से एक ही परिवार के अलग अलग पोस्टर सब जगह छाए हुए हैं, क्योंकि ये भारत जोड़ो नहीं, ये केवल और केवल परिवार जोड़ो और भ्रष्टाचार जोड़ो। देखिए, राहुल जी ने एक और बात कही कि कॉन्वर्जेशन इस देश में टूट चुका है, कॉन्वर्जेशन हैज ब्रोकन डाउन, ये कहना है राहुल गांधी जी। 150 से अधिक, मेरी संख्या शायद कम हो सकती है,
150 से अधिक छोटे बड़े कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी से दूर हो गए, छिटक गए। कांग्रेस पार्टी का कॉन्वर्जेशन कब से टूटा पड़ा? कांग्रेस पार्टी के लिए जो लगभग 50 चुनाव आपके नेतृत्व में लड़े गए उसमें से 40 आपने हरवा दिए, 2 लोकसभा के चुनाव आप हरवा दिए, जनता से कॉन्वर्जेशन टूटा हुआ, परंतु देश में कॉन्वर्जेशन ब्रोकन है, टूटा हुआ है। इसकी चिंता करने से पहले, कम से कम अपनी पार्टी में भारत जोड़ो करने से पहले, गुलाम नबी आजाद को ही जोड़ो, आनंद शर्मा जी को जोड़ो, मनीष तिवारी जी की बात सुनकर उनको जोड़ दो, राज बब्बर जी को जोड़ दो, शशि थरूर जी को भी जोड़ दो। ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, परंतु जो अपनी पार्टी के नेताओं को जोड़ नहीं पा रहे, जो जनता से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं, वो देश को जोड़ने निकले, जिनका इतिहास तोड़ने का। देखिए, आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राहुल गांधी जी, भारत टूटा नहीं, भारत तो जुड़ा हुआ है, और भारत को सरदार पटेल ने जोड़ा हुआ है, भारत को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोच और विचारधारा ने जोड़ा हुआ है। परंतु यह तथाकथित यात्रा जो आपने शुरू की है, उसमें से कब आप परिवार को छोड़ेंगे और कब आप भ्रष्टाचार को छोड़ेंगे, इसका जवाब जरूर आपको देना चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से ये भारत जोड़ो के नाम पर केवल और केवल परिवार जोड़ो की यात्रा। 3 दिन पहले मुझे अंडर सेक्रेटरी के द्वारा मैसेज दिया गया, प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यदि उनके मन में सच्ची श्रद्धा और भाव हैं, तो नेताजी के लिए जो आज इतना बड़ा उनके योगदान को याद करने के लिए कदम उठाया गया, उसका विरोध करने के बदले, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था जिसमें सभी को शामिल होना चाहिए था। ये राजनीति का नहीं, ये राष्ट्र नीति का विषय। देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों के लिए पॉवर्टी स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो कभी 70,000 की जैकेट और कुछ हजार रुपए के शर्ट पहन के पॉवर्टी की बात करते हैं। उनके परिवार ने गरीबी हटाने की तो बात की, कभी गरीबी हटा नहीं पाए। मुझे लगता है कि इन बातों पर तवज्जो देने से बेहतर ये होगा कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कि जिन मुद्दों को लेकर चली है, क्या बेरोजगारी राजस्थान में 31% है, पिछले एक वर्ष से 20% से ऊपर है, क्या राहुल गांधी वहां पर भी जाएंगे बेरोजगारी की बात? देखिए, चाहे वो राजस्थान की कानून व्यवस्था हो, चाहे वो वहां की बिगड़ते हुए सांप्रदायिक माहौल हो जहां पर दंगाइयों को बचाने का अभियान चल रहा है, चाहे वो वहां पर महिला उत्पीड़न के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं और अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती है, अपराधी बचाओ, बलात्कारी बचाओ, दंगाई बचाओ चल रहा है, और आज वहां पर जिस प्रकार से ये खबर भी आई है कि वहां पर स्थिति पशुओं को लेकर भी, गौ माता को लेकर भी जो हुई है निर्माण, उस पर तो ध्यान अशोक गहलोत जी का नहीं है, बल्कि उनका ध्यान केवल और केवल सियासत के राजपथ